और इस नदी से मंदिरों को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था, इस वजह से केदारनाथ में 2013 में बहुत बड़ा प्रलय आया था, जो कि आप देख सकते हो। अब ये देखो सामने कार एकदम पर खच्चे उड़ गए भाई, पूरा इस पे लग रहा लैंडस्लाइड हो गया। बाबा कहाँ से आ रहे हैं आप? बद्रीनाथ पैदल? क्या बात है, कितना टाइम लगा वहां से आने में? लगभग 5 दिन से पैदल चल रहे हैं। कहाँ से हैं वैसे? बिहार में। कहाँ? हट जाओ। क्या ठोक वोक दिया क्या इसको? गुड मॉर्निंग फ्रॉम देवप्रयाग गाइस। कल रात को मैं लगभग 8 बजे के आसपास देवप्रयाग में आके रुक गया। रात को ड्राइव करने में बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्की है पहाड़ों में। हमारे पास फॉग लाइट था, इसलिए हम लोगों ने राइड करते करते कैसे भी करके यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे रास्ते में जैसा कि देख पा रहे हो एक होटल है, मैंने यहाँ पर होटल में रुक गया। और इधर है केदारनाथ वाला रोड, बद्रीनाथ वाला रोड, उधर अपने टाइगर है, ऊपर नीचे पार्क है और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ खूबसूरत सा व्यू, जो कि अपने तो बहुत सारे ब्लॉगर्स, फिल्म, यहाँ तक कि न्यूज़ वगैरह में हमेशा देखते होंगे। ये देखो सामने गाइस, ये है भागीरथी, जो कि भागीरथी नदी है। और इधर से है अलकनंदा आ रही है बहते हुए, और यहाँ से ये दो नदी एक साथ मिल रही है, जो कि संगम है, इसलिए देवप्रयाग इसको नाम कहा जाता है। मतलब प्रयाग मतलब होता है संगम, किसी नदियों का संगम कहा जाता है। तो देवों का ये शहर है। और यहाँ से ये जा रही है गंगा नदी, गंगा जी बहते हुए। ये बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। और कल रात को यहीं पे हम लोग स्टे किए थे, बहुत मजा आया था। मतलब कहा जाए तो एकदम पूरा नदी का साउंड आ रहा था सोने के टाइम, एकदम सुकून वाला फील आ रहा था। और बहुत ज़्यादा पहाड़ से ना हवा आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है तो ऐसे में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी टाइम हो रहा है 7:53, अभी यहाँ से निकलना है हमें। लगभग 150 किलोमीटर यहाँ से केदारनाथ का डिस्टेंस है, तो वो हमको कवर करना है। देखते हैं आज शाम तक केदारनाथ पहुँच पाते हैं या फिर नहीं पहुँच पाते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा ब्लॉग में। तो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ब्लॉग में बने रहे एंड तक, और आपको फुल मजा आने वाला है केदारनाथ सीरीज की इस वीडियो में। मेरा जो ड्रीम कह सकते हैं ना दोस्तों, एकदम हर किसी का ड्रीम होता है कि केदारनाथ का दर्शन करे, केदारनाथ बाबा का दर्शन करे। वो भी मेरा एक मतलब बहुत दिन से ड्रीम था कि भाई मैं केदारनाथ जाऊँ, वो भी स्पेशल अपने बाइक से। आज कंप्लीट होने वाला, देखते बस रास्ते में लैंडस्लाइड और बारिश ना हो तो फिर हम आराम से पहुंच जाएंगे अच्छे से केदारनाथ, और आपको भी घुमाएंगे दोस्तों। और बने रहिए एंड तक, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कहीं भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। बाकी देखो व्यू सामने, देख लो क्लाउड ही क्लाउड पूरा माउंटेन्स के ऊपर दिख रहा है, वहाँ देखो कितना मस्त लग रहा है। मिलते सीधा आपसे मोटो व्लॉग मोड में, लेट्स गो। रूम पूरा पसारा पड़ा हुआ है, फटाफट इसको पैकिंग करते हैं, सीधे मिलते हैं आपसे बाइक पे। तो गाइस अभी आ चुके हैं फाइनली अपने मोटो व्लॉग मोड में, और यहाँ पे अपनी बैग को मैंने पैक कर लिया है। हर हर महादेव। अब महादेव का नाम लेके यहाँ से ट्रिप स्टार्ट करते हैं। राइट, 8 बज चुके हैं, इधर हम लोग रुके थे। तेल डलवाना पड़ेगा यार, 136 किलोमीटर चलेगा। और तो दोस्तों अभी अपने ट्रिप की स्टार्ट हो चुकी है, और सूरज देवता भी निकल चुके हैं। इधर सामने है देवप्रयाग नदी का संगम है। अभी पानी ब्लू रहता है, लेकिन अभी बाढ़ के पानी की वजह से पानी यहाँ का व्हाइट दिख रहा है। श्रीनगर है 30 किलोमीटर लगभग, वो वाला श्रीनगर नहीं है जम्मू कश्मीर वाला, ये है उत्तराखंड का श्रीनगर। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। चेकिंग है क्या? ये है उत्तराखंड पुलिस की टिहरी जगह है, संगम घाट है राइट साइड में। यहाँ से दो रास्ता जाता है बद्रीनाथ केदारनाथ, सामने खरी और गाजा है, तो हमें राइट जाना है। और जो पहाड़ दिख रहा था ऊपर होटल से, वही वाला पहाड़ पे हम लोग जा रहे हैं क्लाइम करते हुए, मतलब अपने टाइगर को छरपाते हुए। छरपाना मतलब बिहार में हम लोग दौड़ाना उसको ऐसा बोलते हैं। बाकी 150 किलोमीटर है यहाँ से केदारनाथ की जर्नी, और सामने है खूबसूरत सा व्यू। और पहाड़ों का क्या है ना कि आपको कहीं धूप मिलेगी तो कहीं छाव मिलेगी, हमेशा एक जैसा मौसम तो आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। पहला जो अपना काम है वो है अपने टाइगर को खाना खिलाना और खुद भी कुछ खा लेना। भाई साहब देख रहे हो लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है रास्ते में, यार संभल संभल के जाना पड़ेगा अपने। ओ भाई पूरा पहाड़ टूट के गिर गया यार, बहुत रिस्की है। उधर से आने वाले के लिए लगभग ठीक है, लेकिन इधर से जा रहे हो तो फिर आधा रास्ता पे तो पहाड़ ही पड़ा हुआ है। ऐसा अगर मौसम होगा तो बात ही अलग है, खिला खिला मौसम चाहिए।
केदारनाथ जाने के लिए। अभी आगे जाके पता चलेगा मौसम का अपडेट क्या है, मतलब बारिश है नहीं है, मतलब उसका तो पता चलेगा आगे, क्योंकि कल का न्यूज था गौरीकुंड में 20 लोगों की डेथ हो गई थी। मतलब ऐसे पहाड़ वर कहीं घर पे ही गिर गया था या फिर कहीं रेस्टोरेंट पे ढाबे पे, तो वो चीज हो गया था। तो इस वजह से रिस्क तो है भाई। यहाँ भी देखो भूस्खलन हुआ पड़ा है और हम लोग जा रहे हैं मानसून के टाइम में, तो ये हमारी गलती है यार। लेकिन अब क्या करें, आ गए हैं तो रिस्क उठाना पड़ेगा। श्रीनगर 30 किलोमीटर, बद्रीनाथ 223 किलोमीटर। देख रहे हो पूरा दोनों साइड में एकदम पूरा पहाड़ गिरा हुआ है दोस्तों। बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है रास्ते में और ऊपर से रोड भी पतला है। मतलब देखो अब ये देखो भाई ये, ओ माय गॉड, ओ भाई साहब, एकदम सिंगल सा रोड है, पूरा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है एकदम। अब ये जेसीबी वाला जाके वहाँ पे मैं भी उसको ठीक करे। अब ये देखो सामने कार एकदम पर खच्चे उड़ गए भाई, पूरा इस पे लग रहा लैंडस्लाइड हो गया। ये तो वाकई खतरनाक जगह है यार, देखो पूरा लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड है चारों तरफ। मतलब नेपाल में इतना लैंडस्लाइड नहीं देखने को मिलता, लेकिन यहाँ बहुत लैंडस्लाइड है यार, हर जगह जगह पर। इधर भी आपको रास्ते में गेस्ट हाउस वगैरह देखने को मिलेगा। अगर रात बिरात अगर आप कभी इस रास्ते से बाइक से आते हो तो लेट हो जाए तो इधर रुक सकते हो कहीं गेस्ट हाउस वगैरह में। अगर आप नेपाल के पहाड़ों में जाओगे तो वहाँ पे लोगों का जो फेस है वो उबला हुआ टाइप का दिखेगा। सिक्किम में भी चले जाओ, लेकिन इधर उत्तराखंड में मैं देख रहा हूँ सब अभी नॉर्मल, जो अपना हर जगह का फेस है वैसा ही दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको हर जगह नेटवर्क तो खैर अपने यहाँ है ही, और नेटवर्क तगड़ा मिलेगा, सिग्नल 5G वगैरह सब चलता है हर जगह पे। तो उत्तराखंड पूरा मतलब पहाड़ पे बसा हुआ है, एकदम प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ जगह। और उत्तराखंड को भारत का आंचल कहा जाता है, उत्तरांचल पहले इसका नाम हुआ करता था उत्तराखंड का। नजारों के साथ एक गाना हो जाए, इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यू तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कई, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है इश्क है या क्या है। यहाँ पे एक सामने देखा है पेट्रोल पंप, 599 का डाल दो, 95 है उधर से, महंगा है 1 रुपया ना, मतलब उधर सिटी से हरिद्वार वगैरह से। गाइस टी पॉइंट यहाँ पे है रुकने वाला बस। तो यहाँ पे अपन रुके हैं एक जगह पे, यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हम। तो गाइस अभी सोनपड़िया के रास्ते में फरासू एक नाम का एक जगह है, वहीं पे अभी रुके हैं चाय पीने के लिए। बहुत ज्यादा मतलब सवेरे से 8 बजे लगभग होने लगी है ना, 1.5 घंटे की राइड कम्प्लीट की है, आंख भी लग रहा था, तो यहाँ पर चाय वाय पी रहे हैं। खूबसूरत सा जगह है यहाँ पर देख सकते हो, चाय पी के फटाफट निकलते हैं, 3 घंटे लगेंगे अप्रोक्स यहाँ से सोनपड़िया पहुँचने में। हमने चाय वाय पी लिया, आधा घंटा से ऊपर हम लोग बैठ गए, लेकिन इतना देर बैठना नहीं चाहिए था। थोड़ा सा वीडियो अपलोड किया इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे हो तो फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नवनीत सा 21 ID है,
और यहाँ पर रुक के थोड़ा चाय वाय पिए हैं और इन वादियों को एंजॉय कर रहे हैं। भाई साहब बहुत खतरनाक रोड है यार, क्या बताऊं इस रोड के बारे में। अब बहुत मानसून के साइज में तो बिल्कुल भी मत आने वाला है। सो गाइस ये आप देख सकते हो, इधर है धारा देवी मंदिर, जय हो। और कहा जाता है कि यही मंदिर है ना, इस मंदिर को कहीं शिफ्ट किया जा रहा था, मतलब मंदिर को कहीं जगह पे, यहाँ की देवी है ये और बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है इस जगह का, और इसी मंदिर को कहीं और लेके जाया जा रहा था तो केदारनाथ में प्रलय आया था ऐसा कहा जाता है। नदी के एकदम बीचों बीच है, अलकनंदा नदी है ये सामने, और इस नदी से मंदिर को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था, इस वजह से केदारनाथ में 2013 में बहुत बड़ा प्रलय आया था और इसी वजह से फिर से वापस मंदिर को यहीं पे रहने दिया गया। तो चलिए अभी चलते हैं बैक टू द रोड। भाई क्या हुआ यार, हट जाओ बेटा, इतना मार हां बैठ कर लो, चल चल चल। भाई टू ठोली क्या, ठोक वोक दिया क्या इसको, ऐसे ऐसे रास्तों में तो होते ही रहते हैं यार, थोड़े बहुत लफड़े के नीचे देख रहे हो भाई साहब कितना नीचे है अलकनंदा नदी। तो भाई साहब देखो एक बाबा है, एक बाबा हैं जो कि पूछते हैं इनसे कहां से आ रहे हैं। बाबा कहां से आ रहे हैं आप? बद्रीनाथ पैदल? क्या बात है, कितना टाइम लगा वहां से आने में? लगभग 5 दिन से पैदल चल रहे हैं। कहां से हैं वैसे? वैसे तो हम बिहार से। बिहार में कहां? बिहार में भभुआ। वाह क्या बात है, बिहार से हम भी हैं। देखिए बिहार नंबर लिखा हुआ, सीतामढ़ी बिहार से पैदल ही आ रहे हैं, चल रहे हैं। अच्छा बिस्कुट उस्कुट दे दीजिए ना कुछ है तो इनके लाइव बैग। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी हम लोग तो खुद ट्रैवल करते हैं। खाइए, अभी कहाँ रुकना है? श्रीनगर रास्ते में। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, रास्ता ठीक है, बारिश केदारनाथ तक ठीक है, कहीं बारिश वारिश नहीं ना? नहीं, चलिए ठीक है, जाइए आराम से। तो गाइस जैसा कि देखा आपने, यहाँ पर एक बाबा जो कि जा रहे थे, अभी बद्रीनाथ से आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, 5 दिन से पैदल चल रहे हैं। मतलब मेरे पास तो कुछ जो था वो मतलब कि हम दे दिए, बिस्कुट मैंने लिया था अपने लिए, कुछ ज़्यादा तो ऐसे हाँ हाँ। अगर आपको ऐसे रास्ते में केदारनाथ वाले रूट में बाबा वगैरह अगर जाते हुए दिखे तो आप लोग प्लीज़ उसे जो मिले अपने पास, जो भी हो, पानी हो, खाना हो या बिस्कुट हो या कुछ भी, आप उनको खिला दो। तो हम लोग तो भाई कहीं ना कहीं खा ही लेंगे। तो ये चीज़ दिखाने का बस एक ही उद्देश्य है कि आपको जो रास्ते में मिले ऐसे लोग जिनको ज़रूरतमंद को आप लोग प्लीज़ हेल्प करें थोड़ी बहुत। ऐसे केदारनाथ 80 किलोमीटर और ये राइट वाला कभी और रुद्रप्रयाग का जाती है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये टनल का निर्माण हो रहा है और आई थिंक जब ये टनल रेडी हो जाएगा तब और भी आसान हो जाएगा रास्ता जाना। जय श्री केदारनाथ धाम। भाई साहब अरे रे 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 वाटर ड्रॉप। भाई साहब क्या रोड है यार, नीचे में अलकनंदा नदी भी आ रही है। तो भाई ये देखो पूरा पहाड़ को जो काटा है ना, अरे गाइस गौरीकुंडा सीधा जिधर हम लोग जा रहे हैं, और इधर तुंगनाथ अगर जाना है तो इधर से जा सकते हैं जो कि एकदम खड़ी चढ़ाई है। तुंगनाथ चोपटा, मतलब तुंगनाथ यहाँ से है 47 किलोमीटर और चोपटा है 44 किलोमीटर, जो कि यहाँ से जा सकते हैं। रोड यहाँ का बहुत खतरनाक लग रहा है।
baby, I ain't playing.